दिस इज द लास्ट रिसोर्ट एक्चुअली, अगर ये सक्सेस नहीं होता तो फिर कोई रास्ता नहीं है। मैडम की वजह से मुझे एक होप मिली है, मे बी नेक्स्ट ईयर ये सक्सेस ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, इस लेडी का 4 बार अबॉर्शन हो चुके हैं, वो भी 4.5 महीने के, 2015 से लेकर 2023 तक रिपीटेडली, और 2-3 साल के अंदर प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी 4-4.5 महीने तक चली और उसके बाद संभव बच्चा खराब हो गया। इसकी वजह से उसके पास अभी भी एक कोई भी एक जिंदा बच्चा नहीं है, कोई लाइफ इशू नहीं है। और जब बार बार सोनोग्राफी किया गया, बार बार डायग्नोसिस बनाया गया, तो पता चला कि बच्चेदानी का जो लेंथ है, नीचे जो बच्चेदानी का मुंह होता है, वो तो काफी छोटा है, 2 सेंटीमीटर के आसपास है, जो नॉर्मली 3-3.5 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए। और बच्चेदानी का मुंह छोटा होने के कारण ही बच्चेदानी बच्चे को, यानी कि यूट्रस के अंदर जो फीटस है, वो रिटेन नहीं रह पा रहा और प्रीटर्म अबॉर्शन हो रहे थे, प्रीटर्म डिलीवरी हो रही थी। तो आज हम इनके लिए बच्चेदानी के मुंह के ऊपर टेप लगाने जा रहे हैं, उसको टाइट करने जा रहे हैं, जिससे कि जैसे ही इसको प्रेगनेंसी होगी और बच्चे का वजन बढ़ने लगेगा, तो वो बच्चेदानी का जो रास्ता है, सर्विक्स है, उसको सपोर्ट कर पाए और प्रीटर्म डिलीवरी ना हो पाए। क्योंकि जल्दी बच्चेदानी का मुंह खुलने के कारण डिलीवरी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए उसके बाहर एक टेप डालकर उसको टाइट करना होगा, जिससे कि सर्विक्स यूटरस के अंदर जो बच्चा उसको होल्ड कर पाए और प्रीटर्म डिलीवरी को रोक सके और इसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल ये तक कंटिन्यू। तकलीफ थोड़ी हो रही है कोई? हाँ, ये थोड़ा लेफ्ट वाले टाके में, हाँ उसमें थोड़ा सा तकलीफ रहेगी, बाकी और कोई दिक्कत है इसके अलावा? एक छोटी गांठ थी आपके बच्चेदानी में, वो भी निकाली है, तो वहाँ से फिर निकाली इसलिए उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ा। अच्छा, इतनी बड़ी गांठ थी तो एडिशनल आपके निकाल दी हमने। ठीक है, और बच्चेदानी के मुँह पे जो टाका लगाना था वो लगा दिया है, अब एक बार सोनोग्राफी करके देख लेंगे कि क्या स्टेट है, फिर उसके बाद बता देते हैं। बाकी अब ऊपर वाला चाहे तो अच्छा ही होगा, आगे जो आपकी तकलीफ हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। 3-4 बार बच्चे खराब हो गए ना आपके? हाँ। और चारों बार 4-4.5 महीने के? हाँ, 5 महीने, 5 महीने के है? 2 बार 4.5 के, 2 बार 5-5 के। कितने मैक्सिमम स्टिच के बाद 5-5 वीक हुआ, 20-21 वीक के ओके लेबर पेन चल के अबॉर्शन हो जाता है। ओके, और अभी मैडम ने एक सर्जरी की है जिसमें यूट्रस में ऊपर से टाका लगाया, तो मे बी दिस विल बी सक्सेस होपफुली, क्योंकि दिस इज द लास्ट रिसोर्ट एक्चुअली, अगर ये सक्सेस नहीं होता तो फिर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जनरली ये 98-95% मतलब अच्छे से सक्सेसफुल है। मैडम की वजह से मुझे एक होप मिली है, मे बी नेक्स्ट ईयर ये सक्सेस ही होगा। हां, अब हम कितने दिन बाद प्लान करें? 5-6 महीने? नहीं नहीं नहीं, सितंबर में गड़बड़ हुआ था, नहीं तो आप अगले महीने प्लान कर लो, इसमें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। एक महीने बाद आप जैसे नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं, क्योंकि तो परमानेंट लग गई ना टेप, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे वो गांठ निकाली उसका? गांठ का तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गांठ नहीं थी, 1.5 सेंटीमीटर की थी, उसके लिए कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं है, तो हमने प्रिकॉशनरी निकाल दी, नहीं तो प्रेगनेंसी में वो बढ़ जाती है फिर फटाफट से ना, इसलिए। बाकी अब ऑपरेशन के बाद कोई परहेज नहीं है आपका, नॉर्मल नाना धोना खाना पीना घूमना फिरना अलाउड है आपको, सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 7-10 दिन के बीच में आके दिखा देना, और जो थोड़े बहुत जो वैसे तो घुलने वाले हैं स्टिचेस, बट एक बार ड्रेसिंग चेंज कर देंगे और आप अपना रूटीन काम कर सकते हो, और अगले महीने से आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक।